गर्ल्स कॉलेज गर्ल्स स्कूल्स के पास खड़े हो जाते हैं, लड़कियां निकलती हैं उनको तंग करते हैं, असा तो जाना बिलो दे घर, किन्ने किन्ने जाना बिलो दे घर। पुलिस वालों ने उसका हलिया निकाला, पुलिस की गाड़ी पे लिखवा दिया ये है बिलो का घर, किन्ने किन्ने जाना बिलो दे घर। लड़कों ने गाना ही चेंज कर दिया, असा तो जाना अल्लाह दे घर, किन्ने किन्ने जाना अल्लाह दे घर, असा तो जाना अल्लाह दे घर, किन्ने किन्ने जाना अल्लाह दे घर। बस बनाओ मसल्ला बिछाओ, बस बनाओ। कुछ दिनों बाद गाना बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा बिलो के घर, बिलो खुद गई है किसी के घर। अच्छा, अब जो पॉप सिंगर्स हैं, फाखिर है, नजम शिराज है, अली हैदर है, ये जितने पॉप सिंगर्स हैं, शहजाद रॉय है, इन सब के साथ प्रॉब्लम ये है, ये गाने कम गाते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। हाय फंक्शन देखने आया है, मेरी बातों पे हल्ल कर उसको बोल रहा हूँ, पीछे बैठा हुआ बहुत अच्छा सुन रहा है। तो बिल अब ये बातें करते हैं, हाय कैसे हैं आप, ठीक। एक कॉमन प्रॉब्लम है इन सब पॉप सिंगर के साथ, हाँ तू पर, मैंने कहा क्या जेबें काटनी है। अच्छा, गाने के दौरान एक एक नारा बनाया है, वो नारा भी लगाते हैं। अली हैदर शुरू करता है, लई लई ला लई ला लई लई ला लई ला लई लई ला लई ला लई लई ला, मेरे साथ मिलके गाए।
पड़े हुए स्टेज पे आ गए, कहने लगे मियां हमें गाना था तो मैं क्यों बुलवाते। हसन जहांगीर जुनूनी सिंगर है जिसने हवा हवा गाया है, वो स्टेज पे आता है म्यूजिक का सामान देख के उसके सर पे खून सवार हो जाता है, पहले शोर मचाता है, ओए आ, मैंने कहा चेक करो बाथरूम में गिर तो नहीं गया। उनसे भी नारा हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहां खिली हखिली जल्द लुटा दे, एंजॉय कीजिए जिंदगी चार दिन की है। पीछे से आवाज आई तेरे पे जाया कर दू। नहीं मैं पास हूं सी क्लासिकल गाने के चक्कर में टेढ़े मेढ़े खड़े थे, ऐसे लगता है बारिश में सूखने के बाद चार कप चारपाई सूखने के लिए डाली हुई है, अजीब गाना उनका होता है। बाबू में पड़े झूले, मैंने कहते टेढ़े मेढ़े झूले पे कौन बैठेगा, अब तो बैठे नहीं जाएगा, जो बैठेगा धड़ करके नीचे गिर जाएगा। तो भी इंटरटेनमेंट है नहीं, टीवी खोले कुछ नहीं आता, पीटीवी 2 खोले सिर्फ गुस्सा आता है, पीटीवी 2 खोले हिसाब आएंगे। आए नाजरीन आज हम आपको सुई में धागा डालना सिखाएंगे। दुनिया चांद पे चली गई है, अभी तक सुई में धागा डालना सिखा रहे हैं। आए नाजरीन आज आपको बताते हैं कि बिजली का प्लग कैसे लगाता है। हम लोग मिट्टी में अंदर खंडकों में रह रहे हैं, किस दुनिया की बात हो रही है ये। आप 10:15 बजे सुबह टीवी लगाए, 3:15 टाइम आता है। एक दिन मैंने टीवी लगाया, एक साहिबा फरमा रही थी 6 महीने के बच्चे को केला कुचल के खिलाए। बम तो खा नहीं सकता, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए इतने बड़े मीडिया को यूज करने की क्या जरूरत है। अब आप देखें इश्तिहारात पहले आते थे सिंपल से। अच्छा एक और चीज है, आप टीवी देखें अगर गौर से ऑब्जर्व करें आप बहुत एंजॉय करेंगे, क्योंकि उसमें होता ही है कि शेड्यूल बड़े अजीब और गरीब टाइम पे होते हैं। एक टारगेट ऑडियंस होती है, एक टारगेट इंटरटेनमेंट का शेड्यूल होता है। मैंने रात को 4 बजे टीवी लगाया, ऐनक वाला जी ला रहा था बच्चों का प्रोग्राम। किसी ने कहा रात को 4 बजे, मैंने कहा जिनों का प्रोग्राम है जिनके बच्चों से जाग ही रहे होंगे, रात को 4 बजे उस तरह का प्रोग्राम दिखाते हैं तो उसका क्या फायदा। अच्छा आपको अगर घर में टाइम नोट करना है ना तो आप घड़ी ना रखें, टीवी ऑन करके छोड़ दें, वो जो खबरनामा आता है उससे टाइम पता चल जाएगा। 6 बजे अगर आपने देखा 6 बज चुके हैं तो टीवी खुलना छोड़ दें, सिंधी खबरें आ रही होंगी, वो घर में हमिंग से पता चल जाएगा, समझ में कुछ जाएगा। अरे काशी सात बजेगा आपको अलग पता चल जाएगा कि हाँ जी 7 बज गएंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो क्लियर नहीं हो रहा था कि हो क्या रहा है। 9 बजे का अलग पता चल जाता है, तो पत्थर के आदमी आते हैं। आज कराची में 3 आदमियों ने 4 आदमियों को चलते हुए देखा, इसमें कौन सी नई बात है। तो आदमी तो चलते ही हैं, वो तो होते ही सके कि चले फिरे घूमे फिरे, तो ये अलग ही पता चल जाता है। अब तो मीडिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, कहीं से कहीं पहुंच गया है, इतने सारे चैनल आ गए हैं। आप जियो लगाते हैं शादी ऑनलाइन आता है, उसमें जिनकी शादियां हो रही होती हैं उनकी नहीं हो पाती, जो लड़कियां उनकी सहेलियां राय देने आती हैं उनके रिश्ते आ जाते हैं, वो उनसे बेहतर होती हैं तो वो सही हो जाता है। आप कभी देखे अब इश्तिहार पहले आता था, सिंपल इश्तिहार आता था, बच्चों को तंदुरुस्त ताबाना रखे फेरिक्स 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 फेरिक्स, बच्चा शीर ख्वार या खून ख्वार तो। लेकिन अब इश्तिहार चेंज हो गए, पूरी फैमिली बैठी है, शौहर देर से घर में आए, बेगम ने रख के थप्पड़ दिया, गुस्से से ससुर की तरफ देखा, वो बोल रहा जादू है बहू के हाथों में। जो वीडियो फिल्मों के दरमियान अचानक इश्तिहार आता है, भाई बेटी अपने तो दो ही शौक है, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, कैमरा पीछे गया चड्डी पहने में पापे खा रहे। अच्छा कुछ इश्तिहार आता ऐसे होते हैं उस प्रोडक्ट का ताल्लुक नहीं होता जितना ह्यूज किस्म का वो कमर्शियल होता है।
जितना उसमें पैसा खर्च किया गया होता है और प्रोडक्ट बिल्कुल ही छोटी सी होती है। आपने देखा होगा बड़ी खूबसूरत सी लड़की किले में डाकू ने कैद कर रखी है, बड़ा हैंडसम सा लड़का आता है 50 लाख की पजेरों में से जंप करता है, फाइट करता है, लड़की को छुड़ाता है, 5-स्टार होटल में बैठा है, रुपए की 4 टारगेट सिगरेट पी रहा है। लड़की फिर डाकू में चली जाती है, कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो पीते हैं, टेस्ट भी तो कोई चीज है। दोनों आगे फिर तीसरा लाऊंगी। क्लियर बताना चाहिए कि आप क्या बताना चाहिए, किंगर डबल है क्या है। अब ये बच्चे जो इंडियन मीडिया देख रहे हैं ना, सोनपरी देख रहे होते हैं, ये शकल आका बोम देखते हैं ना आप लोग, देखते हैं हर घर में यही होता है, वो सोनपरी खवातीन सास भी कभी बहू जी देख रही होती है और सास खुद निकल जाती है पीछे छप्पर में से सास भी देख रही होती है दूसरी तरफ से बहू में। मैंने सेंटिमेंटल होते हुए देखा है खवातीन को, बड़े गौर से यूं इन्वॉल्व हो जाती है जैसे ऐसी फैमिली की मेंबर है, बड़ी जलील हुई है तुलसी अल्लाह करे इसको मौत आ जाए, गालियां बक रही होती है बैठ के सामने सामने, उसको क्या बता वो तो बेचारे वहां कर रहे हैं। अब इंडियन कल्चर से प्रॉब्लम ये हुआ है कि बच्चे ये चाहते हैं कि हमारे भी उसी तरह शादियां हो, उनका अपना एक कल्चर है, अपना सिस्टम है, दूल्हा आगे दुल्हन पीछे बंदी भी है, दोनों घूम रहे हैं।